ये जो बुरखा है, ये जो नकाब है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी असमत है, ये हमारी आबरू है, और हमसे हमारी आबरू को छीना जा रहा है। और जो हमसे हमारी आबरू छीनेगा उसे हम सब मुस्लिम औरतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार हमारी शरीयत में मदाखलत करते हैं। इससे पहले आप 3 तलाक लेकर आए, फिर उसके बाद आपने अजान पे पाबंदियां लगवाने की कोशिश करी, फिर आज आप हिजाब पे लेकर आए। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मुसलमानों से दिक्कत हो चुकी है? तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान भी यही कहता है कि आप आजाद हैं और अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो कौन सा आप आइन का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप आइन के कातिल हैं, आप संविधान के कातिल हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल के कातिल हैं। तो मैं ये यहाँ से सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी, और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हम वो शेरनिया हैं, वो शहजादियां हैं जो मुकाबला करेंगी डट के, जिन्होंने CNRC में मुकाबला किया था, आज वो अपने हिजाब के लिए भी मुकाबला करेंगी। और हम ये कहना चाहते हैं शेर के साथ, फिरौन की है ना नमरूद की है, फिरौन की है ना नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस वक्त तो डरना नामुमकिन है, क्योंकि बात अपने वजूद की है। इस इंशाल्लाह हम सारे लोग इंशाल्लाह बोलो।